नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और क्रिकेट टुडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है। इस मेगा टूर्नामेंट को खेलने के लिए सभी टीमों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं भारतीय टीम भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है और टीम ने अपने अभ्यास मैच खेलने शुरू कर दिए हैं। भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को मेलबर्न के मैदान पर होगा। लेकिन ऐसे में आज हम ऐसे चार खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्हें 15 सदस्यीय स्क्वाड में चुनकर कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ी चूक कर दी है। पहला नाम है हर्षल पटेल। टीम इंडिया के डेथ स्पेशलिस्ट गेंदबाज हर्षल पटेल ने जब से टीम इंडिया में वापसी की है, वह जमकर रन लुटवा रहे हैं। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुई T20I सीरीज में हर्षल की खूब कुटाई हुई थी। वहीं इस साल हर्षल पटेल एक साल में सबसे ज्यादा छक्के खाने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं। इस 31 वर्षीय गेंदबाज ने अब तक इस साल में 34 छक्के खा लिए हैं। इसके साथ ही उनका इकोनॉमी रेट भी 10 से ऊपर का रहा है। ऐसे में T20 वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज का इतना पिटना टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है ऋषभ पंत। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है, लेकिन T20I क्रिकेट में उनका फॉर्म निराशाजनक रहा है। T20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें ओपनिंग से लेकर मिडल ऑर्डर तक अलग अलग बल्लेबाजी क्रम पर मौके दिए, लेकिन ऋषभ पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए। उनकी जगह संजू सैमसन या ईशान किशन को टीम में शामिल किया जा सकता था, जो कि जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसे में अगर दिनेश कार्तिक के बजाय भी ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया तो भारतीय टीम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है दीपक हुड्डा। टीम इंडिया के युवा ऑलराउंडर दीपक हुड्डा में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की क्षमता है। इस साल उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है, जिसमें एक शतकीय पारी भी शामिल है। इसके साथ ही वह गेंदबाजी में भी योगदान दे सकते हैं। दीपक एक टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, लेकिन चिंता का विषय यह है कि कप्तान रोहित शर्मा उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका एक फिनिशर के तौर पर दे रहे हैं, जहां इस 27 वर्षीय खिलाड़ी को मैच खत्म करने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। एशिया कप में भी दीपक को निचले क्रम में ही बैटिंग करने का मौका दिया गया था। ऐसे में T20 वर्ल्ड कप के नजरिए से दीपक को टॉप ऑर्डर के बजाय निचले क्रम में मौका देना टीम इंडिया को भारी पड़ सकता है। दोस्तों, आखिरी नाम है भुवनेश्वर कुमार। टीम इंडिया के दिग्गज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार जब अपनी लय में होते हैं तो अपनी स्विंग से किसी भी बल्लेबाज को चारों खाने चित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा उन्होंने इस साल T20I क्रिकेट के शुरुआती ओवर्स में करके भी दिखाया है, लेकिन डेथ ओवर्स में भूवी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जिसका खामियाजा भारत को कई बड़े मैचों में भुगतना पड़ा है। खासकर 19वें ओवर में इस 32 वर्षीय गेंदबाज ने जमकर रन लुटवाए हैं। 19वां ओवर T20I क्रिकेट के लिहाज से सबसे निर्णायक ओवर माना जाता है। यह ओवर महंगा होना टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में भी महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें लगातार प्राप्त करने के लिए क्रिकेट टुडे TV को अभी सब्सक्राइब करें। खबर पसंद आई तो इस खबर को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।